नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बता दें कि 20 सीटों पर मतदान होना है। एससी एसटी 12, एससी 1 और सामान्य 7। कुल मतदान केंद्र मतदान 5304। पहले चरण में कुल 11 जिलों में कुल मतदाता की संख्या बता दें कि 40,78,681 पुरुष मतदाताओं की संख्या, 19,93,937 महिला मतदाताओं की संख्या है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से, 20,84,675 थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या है, 69 महिला उम्मीदवार, 25 पुरुष उम्मीदवार, 198 निर्दलीय उम्मीदवार, 73 कुल उम्मीदवारों की संख्या 223 है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजनांदगांव के हैं 22। बता दें कि सबसे कम उम्मीदवार चित्रकूट और दंतेवाड़ा जिले के हैं 7-7। अधिकतम आयु वाले उम्मीदवार डॉक्टर रमन सिंह 71 वर्ष राजनांदगांव, रमन अकबर मरकाम बैच गागा केदार समेत बड़े चेहरे मैदान में है। बता दें कि बस्तर संभाग राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़ और मोहला मानपुर जिले की सीट पर चुनाव होना है। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर में 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होनी। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान शुरू हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान शुरू हो गए हैं। बता दें कि 20 सीटों पर मतदान होना है। एसटी 12, एससी 1 और सामान्य 7। पहले चरण में कुल 11 जिले में वोट डाले जाएंगे। बता दें कि कुल मतदाता की संख्या 40,78,681 है, तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 19,93,937 है। महिला मतदाताओं की संख्या 20,84,675 है, तो वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 69 है। बता दें कि कुल मतदान केंद्र 5304 है। महिला उम्मीदवार 25, पुरुष उम्मीदवार 198, निर्दलीय उम्मीदवार 73, कुल उम्मीदवारों की संख्या 223 है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। बता दें कि 20 सीटों पर मतदान होने हैं। रमन अकबर मरकाम बैच गागड़ा केदार समेत बड़े चेहरे मैदान में। आपको बता दें कि बस्तर संभाग राजनांदगांव, कवर्धा और मौला मानपुर जिले की सीट पर चुनाव होने हैं। बता दें कि कांग्रेस से मोहम्मद अकबर हैं, तो वहीं विजय शर्मा बीजेपी से हैं। बता दें कि विधायक प्रत्याशी कवर्धा खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस से हैं, तो वहीं बीजेपी से विक्रांत सिंह आमने सामने हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा शर्मा जुड़ गई हैं। आकांक्षा जी, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं, 20 सीटों पर मतदान होना है। क्या कुछ अपडेट से, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व, जिसकी शुरुआत इस वक्त हो चुकी है, प्रथम चरण के तहत आज मतदान शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से 12 जो जिले हैं, 12 जो विधानसभा है, उन 12 विधानसभा से तस्वीरें सामने आ रही है। इसके अलावा जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है, इसके 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान आज हो रहा है। कुल मिलाकर के 20 विधानसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के पहले चरण में मतदान, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और खूबसूरत तस्वीर से कहेंगे, क्योंकि जो आम जन है, जनमानस है, वो बढ़ चढ़ के इस मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब देखिए, ये 20 जो विधानसभा सीट है, इसमें लगभग जो 223 उम्मीदवार हैं, इनके भाग्य की रेखा आज आम जनता लिख रही है। लगभग 40 लाख से जो अधिक मतदाता हैं, वो आज इनके भाग्य की रेखा लिखते हुए नजर आएंगे। दोनों ही क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं। बस्तर का पहले जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बस्तर में 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 विधानसभा सीटें इस खाते में। ऐसे में राजनीतिक दलों का जो
जमावड़ा है, विशेष तौर पर हम कहें जो राजनीतिक दलों का जो फोकस है, क्योंकि बस्तर सत्ता की कुंजी कही जाती है, ऐसे में उस क्षेत्र में विशेष फोकस बस्तर में जरूर देखने को मिल रहा है और विशेष तैयारियां भी, चूंकि नक्सल प्रभावित एरिया है बस्तर संभाग, ऐसे में उसके हर एक विधानसभा क्षेत्र में जो फोर्स है वो विशेष तौर पर लगाए गए हैं, जिसमें न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसमें अदर राज्यों के जो प्रशासनिक अमले हैं वो भी मुस्तैद खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगभग बड़ी संख्या में जो प्रशासनिक अमला है वो विशेष तौर पर मौजूद है। वहीं आंकड़ों का हम जिक्र कर लें, चूंकि मैं पहले ही जिक्र किया कि 40 मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पे करते नजर आएंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 19,93,000 जो आंकड़े यहाँ पे बताए जा रहे हैं, महिला मतदाताओं की संख्या इसमें अधिक है, 20,00,000 से अधिक जो महिला मतदाता हैं वो आज भाग्य लिखते हुए नजर आएंगी। और इस पूरे 20 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे आज मतदान हो रहा है, यहाँ पे लगभग 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सभी मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं होती है, चाहे वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो या फिर व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण से हो, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इनमें से सीमा एक बात ये भी समझने वाली है, इसमें 200 ऐसे केंद्र हैं जो संगवारी मतदान केंद्र के रूप में स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही जिसकी पदस्थापना की गई है। और 2 अलग अलग स्वरूप में यहाँ पे हमें मतदान देखने को मिल रहे हैं, 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हुई है और 10 अलग ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ ऐसे खुज्जी और बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से सुबह 8 बजे मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, लेकिन इससे पूर्व 7 बजे मोहला मानपुर का जो क्षेत्र है, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांके जो नक्सल प्रभावित खासतौर पर माने जाते हैं, तो इन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से इस लोकतंत्र की खूबसूरती में अपनी भागीदारी देने के लिए आम जो जनमानस है वो बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। जी जानकारी के लिए आकांक्षा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां AICC महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, बलौद कुरुत में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका। दोपहर 12:30 पर रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 1 बजे जुगेरा बालौद में आम सभा को